हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पाचन तंत्र के विकार के बारे में। सबसे पहले जो ये जॉन्डिस यानी कि पीलिया क्या होता है, तो ये जो पीलिया होता है इसके अंदर लीवर अफेक्ट होता है और इसके जो लक्षण होते हैं उसमें स्किन और आईज होती हैं वो येलो हो जाती है। क्यों हो जाती है? जो पित्तवर्णक होते हैं उनके जम जाने के कारण स्किन तथा आईज होती है वो येलो हो जाती है। वोमिटिंग होती है, स्टमक में जो भी कलप्ट पदार्थ होते हैं उन सभी का मुख गुहा यानी कि जो माउथ होता है उसके द्वारा बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन वोमिटिंग बोलते हैं। ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित जो वमन केंद्र होता है उसी के द्वारा ये कंट्रोल होता है। और जब ये वोमिटिंग होती है उससे पहले अपन को थोड़ी बेचैनी होती है। उसके बाद में डायरिया या प्रवाहिका के बारे में, तो प्रवाहिका या डायरिया होता क्या है? तो जो बाउल यानी कि जो आंत्र होती है उसकी असामान्य गति के बारंबारता यानी कि असामान्य गति होती है और जो मल त्याग होता है उसका अत्यधिक पतला हो जाना, इसी के कारण डायरिया हो जाता है। और भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी सामान्यतः घट जाता है ना। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जता, पेट में कब्जता आ जाती है सामान्यतः। तो रेक्टम जो है उसके अंदर मल रुक जाता है और आंत्र की जो गतिशीलता होती है वो भी अनियमित हो जाती है, इसीलिए अपन कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। और अपच या इंडाइजेशन, और अपच या इंडाइजेशन के अंदर जो भोजन होता है वो पूर्णतः यानी कि अच्छी तरह से नहीं पचता है, यानी कि अपन खाते तो है लेकिन पचता नहीं है, जो पेट भरा भरा महसूस होता है। एंजाइम के स्राव में कमी आ जाती है, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, मैक्सिमम भोजन करने और मसालेदार भोजन करने के कारण इनडाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित कुछ रोग के बारे में दे रखा है ना। एक तो होता है क्वाशनियर स्कोर, एक होता है मेरासिमस, दोनों के बारे में यहाँ दे रखा है। जो क्वाशनियर स्कोर होता है ना, क्वाशी और कोर होता है, वो एक वर्ष से अधिक आयु के शिशु में होता है। इसमें भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अधिक ओडिमा या सूजन आ जाती है ना, बॉडी जो होती है पूरी सूज जाती है, त्वचा के नीचे फिट जो है प्रेजेंट हो जाता है, पेशियां ह्रास तथा पतले लिम्स इसके लक्षण होते हैं, यानी कि जो पेशियां होती है वो नष्ट होने लगती है, लिम्स हाथ पे जो है बिल्कुल पतले पतले होने लग जाते हैं। डायग्राम में दिखा रखा है, त्वचा फुली हुई दिखा देती है और जो बॉडी होती है पूरी फुली हुई दिखा देती है लेकिन जो हाथ पैर होते हैं वो पतले हो जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्वाशियोरकोर। उसी तरह से मेरासिमस की बात करें तो ये एक वर्ष से कम आयु के शिशु में होता है ना, ये एक वर्ष से भी कम आयु के शिशु में होता है। इसमें भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी इन दोनों की कमी हो जाती है, ओडिमा यानी कि सूजन इसके अंदर नहीं होती है, त्वचा के नीचे वसा भी नहीं होती है, शरीर तथा पाद अत्यधिक पतले हो जाते हैं, त्वचा शुष्क तथा झुर्रीदार हो जाती है ना। तो एक वर्ष जो की आयु होती है उससे भी कम, एक वर्ष की आयु के भी आयु से भी कम आयु के शिशु में ये होता है। और ये सामान्यतः देखा जाए तो इसके जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट और थोड़ा सेम भी होता है, क्योंकि इसमें भी हाथ पैर पतले होते हैं बट इसमें ना तो फैटी होता है और ना ही इसमें ओडिमा होता है यानी कि सूजन होती है, और जो त्वचा होती है वो शुष्क तथा झुर्रीदार हो जाती है। क्वाशियोरकोर तथा मेरासिमस दोनों में शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास दोनों जो है वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दे रखा है क्वाशियोरकोर और मेरासिमस जो प्रोटीन की से कुपोषण जनित रोग हैं उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए अपन को पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। तो कैलोरी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए कि अपन को कितनी कैलोरी एनर्जी किससे प्राप्त करनी होती है और कुल मिला के संतुलित भोजन लेना चाहिए, है ना। तो कैलोरी मात्रा क्या होती है? 1 किलोग्राम फूड के बम कैलोरी मीटर में पूर्णतया दहन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा, यानी कि 1 ग्राम अगर भोजन होता है तो उसमें बम कैलोरी मीटर में अगर पूर्णतया दहन करें तो जो ऊष्मा मुक्त होती है उसी की मात्रा को अपन कुल कैलोरी मात्रा या कुल ऊर्जा मात्रा बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ग्रास कैलोरिक वैल्यू या ग्रास एनर्जिक वैल्यू बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में 1 ग्राम भोजन के दहन से वास्तव में मुक्त होने वाली जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसको अपन भोजन की कार्य की मात्रा बोलते हैं, यानी कि जो अपन कार्य करते हैं उसकी कार्य की मात्रा कब होती है? जब मनुष्य के शरीर में 1 ग्राम भोजन होता है उसका दहन होता है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो उसको अपन कार्य की ऊर्जा बोलते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड PV बोलते हैं। भोज्य पदार्थ है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उससे अपन को GCV कितनी मिलती है और एक होता है फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है वो कितनी मिलती है। GCV यानी कि ग्रोस कैलोरिक वैल्यू है ना, ग्रेस कैलोरिक वैल्यू। उसके अंदर तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट की GCV वैल्यू जो होती है वो 4.1 होती है, 4.1, और इसकी जो फिजियोलॉजिक वैल्यू होती है 4.0। प्रोटीन में 5.65 होती है, 4.0
इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है वसा में 9.45 जो होता है वो उसकी ग्रोस कैलोरिक वैल्यू, और 9.0 जो है इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाली अपन को बात ध्यान रखनी है, कैलोरी मात्रा क्या होता है, कार्य की वैल्यू यानी फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट इन तीनों के लिए इनकी वैल्यू जो है वो लगभग कितनी होनी चाहिए अपनी बॉडी में। ठीक है, और अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है।